नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, BPSC में कुछ दिन पहले जो है वैकेंसी आई है, और इसी वैकेंसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। जो है कितनी क्या वैकेंसी है, कौन जो है इसमें एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या जो कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या फीस है, पूरी जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जो वैकेंसी है बिहार में पंचायती राज्य विभाग में जो है वैकेंसी है, इसका नाम है दोस्तों, ये फ्रेंड्स इसका नाम है बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा। जो है इसके दोस्तों 373 जो है पद हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें फ्रेंड जो ये कैटेगरी वाइज हैं, जैसे में अनरिजर्व के 150 और EWS के 37 और SC के दोस्तों 59, ST के 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 67, पिछड़ा वर्ग के 45 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 11 पद हैं, और स्वतंत्रता सेनानी वगैरह इनके लिए दोस्तों 7 पद हैं। ये कोड है जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए। इसमें फ्रेंड्स ये जो है शैक्षणिक योग्यता, फ्रेंड्स इसमें आपको वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमी, स्टेटिक्स अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त MBA आप वित्त से हो, CA हो, ICWA हो या CA डिग्री धारी भी इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो उम्र सीमा है 37 साल तक है, और जो OBC हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए 3 साल और 5 साल जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें फीस जो है कितनी क्या है। ये दोस्तों कैटेगरी का कोड है। इसमें दोस्तों जो शुल्क है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600, अदर कैटेगरी के लिए दोस्तों 150 रुपये है। ठीक है, दोस्तों ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक जो है 150 होंगे। प्रश्नवार बहु जो ऑब्जेक्टिव जो कुछ उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का जो है आपको चयन करना होगा। ये लिखित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु जो है आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी और जो है और 100 अंकों का, और सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक का चयन करना होगा, और जो कि वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा। फ्रेंड्स ये जो है आपके एग्जाम इस प्रकार से हैं। देखिए सामान्य हिंदी का पेपर होगा 3 घंटे का, 100 अंक का। 2 GS के पेपर होंगे 3 3 घंटे के, 3 300 अंक के। वैकल्पिक पेपर 3 घंटे का होगा, जिसमें से आपको ये ऑप्शनल जो चूज करना है, आप कॉमर्स ले रहे हो कि इकोनॉमी ले रहे हो कि गणित ले रहे हो कि स्टेटिक्स ले रहे हो, ये भी 300 अंक का होगा। इसके बाद में दोस्तों, और ये इसका जो सिलेबस है पूरा इसकी वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा का ये तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट दिया हुआ है, और साक्षात्कार दोस्तों इसमें जो है 120 मार्क्स का होगा। इसमें दोस्तों जो लिखित परीक्षा जो ये होगी, इसमें न्यूनतम मार्क्स भी दोस्तों इन्होंने दिया है। हिंदी में आपको 40 30 अंक जो है अनिवार्य हैं, और ये फिर परसेंटेज दिया है दोस्तों, ये सामान्य श्रेणी के लिए 40%, और शेष विषयों में आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए जो है 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए और विकलांग और महिलाओं के लिए 32% ये हैं। तो फ्रेंड्स ये, और ये आप जो है फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी जो डेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रेंड्स आप जो है 21 अक्टूबर से ये फॉर्म जो है भर सकते हो, और 18 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 21 अक्टूबर से फॉर्म शुरू होंगे, 18 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो फ्रेंड्स ठीक है, यदि आप भी वैकेंसी भर रहे हो तो भर सकते हो,
ओ तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।